हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके तीन फॉर्म में आते हैं। एक आपका डायरेक्ट फॉर्म रहता है, दूसरा इंडिकेटिंग फॉर्म और तीसरा कोडिंग फॉर्म। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्म और इंडिकेटिंग फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ब्लड रिलेशन के ऊपर, उस पर हम कोडिंग फॉर्म और उससे कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अपन कुछ साइंस लेते हैं। जैसे कि आप पॉजिटिव जो यूज़ करेंगे वो आप करेंगे मेल के लिए, और ये जो नेगेटिव साइन है आप किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए। सिर्फ आपका इंडिकेशन है कि ये जो है मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद में जो आपका ब्लड रिलेशन रहता है उसको आप तीन जनरेशन पे देखते हैं। जैसे कि ये आपका थर्ड जनरेशन हो जाएगा, सेकंड जनरेशन, और ये क्या फर्स्ट जनरेशन, यानी कि यहाँ पर आपके पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, और यहाँ पे जो आएंगे वो चाइल्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इसको अपन एक और क्वेश्चन में देख के डिस्कस कर लेंगे। तो आपके ज़्यादातर जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं तीन जनरेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जो है फैमिली मेंबर्स हैं जो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है? बी इज़ सन ऑफ सी। तो अपन साथ साथ यहाँ पर उसका फैमिली ट्री भी ड्रॉ करते जाएंगे, जैसा जैसा आपको बताते जा रहा है वैसा वैसा। यहाँ पर आपको बोल रहा है बी इज सन ऑफ सी। तो क्या है बी जो है, क्या है? सन है किसका? सी का। यहाँ पर सी का आपको फेल है कि फीमेल है, आपको जेंडर नहीं पता, इसलिए आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। अब उसके आगे पढ़ते हैं। बट सी इज़ नॉट मदर ऑफ बी, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि ये जो सी जो है वो मदर नहीं है बी की। यानी कि अगर बी सी का सन है और वो मदर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो फादर, यानी कि सी जो है वो फादर है किसका? बी का। उसके बाद में ए एंड सी आर अ मैरिड कपल, यानी कि ए जो है उसकी क्या हो जाएगी? वाइफ। यहाँ पर एक कपल बन गया, सी जो है वो फीमेल है और ए जो है वो फीमेल है, और ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है, और उसके जो सन है वो क्या है? बी है, ठीक है। उसके बाद में आपका है ई इज़ ब्रदर ऑफ सी, यानी कि जो सी का ब्रदर है वो क्या है? ई। ई जो है इज़ ब्रदर ऑफ सी। आप सीधे सीधे पढ़ते जाएंगे और उसका फैमिली ट्री जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। बस आप कोई भी लाइन पढ़िए, उसके आगे आप अपना फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए। इस पर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी आपको, है ना। उसके बाद में डी इज़ डॉटर ऑफ ए, यानी कि डी जो है वो ए की डॉटर है। तो यहाँ पर ये डॉटर हो गई, ये कौन है? ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। एफ इज़ सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एफ जो है वो फिर सिस्टर किसकी है? बी की है। अगर यहाँ पर किसी और पेरेंट के अगर चिल्ड्रन रहते, यानी कि कोई और पेरेंट के चाइल्ड रहते, तो यहाँ पर क्या हो जाता? एफ इज़ कज़न ऑफ बी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सिस्टर बोला गया है तो क्या होगा? ये रियल ब्लड रिलेशन में आएगा, यानी कि ये क्या है? इसकी रियल सिस्टर है, ठीक है। कज़न नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट सिस्टर दिया हुआ है। इसीलिए आपका एफ इज़ सिस्टर ऑफ बी में क्या रहेंगे? सेम पेरेंट के ये चिल्ड्रन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से एक बड़ा फैमिली ट्री दे देता है तो उससे पांच से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको बड़ा फैमिली ट्री देकर अगर लेवल हाई है तो आपको सिर्फ दो से तीन क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेकिन अगर IBPS RRB का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर देते हैं कि आपको एक बड़ा सा फैमिली ट्री बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको तीन से पाँच क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज सी हैव, यानी कि सी के जो हैं वो कितने चिल्ड्रन हैं। तो आप यहाँ पर देख के आसानी से बता सकते हैं कि सी के कितने चिल्ड्रन हैं? थ्री चिल्ड्रन है, ठीक है। चलिए अब दूसरा अपन देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मैरिड कपल, यानी कि इन सब में से कौन सा है जो मैरिड कपल को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर अपना मैरिड कपल क्या है? सी और ए, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है? मैरिड कपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी फैमिली ट्री पर। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ई रिलेटेड टू एफ, कैसे ई जो है वो एफ से रिलेट कर रहा है? तो कई लोगों को डाउट रहता है कि अपन ई से एफ का रिलेशन बताएं या फिर एफ से ई का रिलेशन बताएं।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका टू के बाद में जो भी दिया हुआ है, टू के बाद में कोई भी नाम दिया हुआ है या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट दिया है, उससे रिलेशन बताएंगे आप किसका, ई का, यानी कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसका रिलेशन बताएंगे आप जो। तो यहाँ पर एफ जो है वो ई को क्या कह के पुकारेगा, तो आप यहाँ पर देखिए एफ जो है वो ई को क्या पे कह के पुकारेगा, यानी कि आपके फादर के ब्रदर क्या हुए, आपके अंकल हुए, तो यहाँ पर एफ जो है वो ई को अंकल कह के पुकारेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अपन फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रदर्स डस एफ हैव, यानी कि एफ के कितने ब्रदर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके जो एक ही ब्रदर है, बाकी एक जो है वो सिस्टर है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वन, यानी कि आपकी एफ के जो हैं सिर्फ एक ही भाई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, अमंग फॉलोइंग हु इज़ द सन ऑफ ए, यानी कि ए के कौन, ए का सन कौन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए के यहाँ पर तीन चिल्ड्रन है, यानी कि एफ, बी और डी, जो कि एफ जो है वो गर्ल है, डी जो है वो गर्ल है और बी जो है वो सिर्फ एक बॉय है, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका सन। तो ए का सन कौन सा हो गया, बॉय, यानी कि आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन। तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर आपको दिए टुकड़ों में दिए हुए हैं आपका जो फैमिली ट्री बनाना है उसका डायरेक्शन, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अपन फर्स्ट को देखते हैं, एल इज़ फादर ऑफ पी, यानी कि एल जो है वो क्या है, फादर है किसका, पी का। ठीक है, उसके बाद में पी हु इज़ फादर ऑफ एस, तो हु के पहले जो भी आपका है उसके बारे में बोल रहा है कि हु इज़ फादर ऑफ एस, यानी कि पी इज़ फादर ऑफ एस, तो ये पी क्या हो गया, फादर हो गया किसका, एस का। यहाँ तक के समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद में अपन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, हु इज़ सन ऑफ ए, ओ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन फाउंड नहीं हो रहा है, इसीलिए आप डायरेक्ट उसको इंडिपेंडेंट ड्रॉ कर दीजिए कि एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, यानी कि एम जो है क्या है, फीमेल है, ग्रैंड मदर है तो फीमेल है, और किसकी है, आर की है, तो यानी कि आर के कोई फादर है, फिर मदर की क्या है, मदर है ये। ठीक है, तो आर की क्या है, ग्रैंड मदर है। एन इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ आर, हु इज़ ब्रदर ऑफ एस, यानी कि क्या है यहाँ पर, एस जो है, आर जो है क्या है, ब्रदर है एस का, यानी कि आपको क्या बोल रहा है, आर हु इज़ ब्रदर ऑफ एस, यानी कि इस स्टेट इस लाइन से आपको समझ में आ रहा है कि आर और एस के जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, सेम है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रदर, वरना आपको ब्रदर की जगह कज़न वर्ड जो है वो यूज़ होता है। एन इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ आर, यानी कि आपके आर के पैटर्नल अंकल हैं, यानी कि आपके पी जो हैं इसके फादर उसके ब्रदर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल। ठीक है, एन इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ आर हु इज़ ब्रदर ऑफ एस, तो आपका ये हो गया। एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर हु इज़ सन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ओ का सन है क्या, आर। ठीक है, और इसकी ग्रैंड मदर है ये एम, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये ओ का सन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर एक कपल होगा, तभी ये इसके फादर हैं और ये इसकी मदर हो जाएंगी, अगर ये इसके सन है तो। ठीक है, आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है एम इज़ फादर, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर, यानी कि एम जो है आपकी ग्रैंड मदर है आर की, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एक कपल हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं अपन, आपको जो गिवन है, एल इज़ फादर ऑफ पी हु इज़ फादर ऑफ एस, तो एल जो क्या है, फादर है पी का, जो कि फादर है एस के। ठीक है, एम इज़ ग्रैंड मदर ऑफ आर हु इज़ सन ऑफ ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, आर की, जो किसके सन है, ओ का सन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में एन इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ आर, यानी कि एन जो है वो पैटर्नल अंकल है किसका, आर का, यानी कि उसके फादर का ब्रदर है। ठीक है, उसके बाद में हु इज़ ब्रदर ऑफ एस, तो यहाँ पर आपका आर क्या हो जाएगा, ब्रदर ऑफ एस, तो अगर आपको सेम पेरेंट है तभी आपका क्या होता है, ब्रदर, अदरवाइज कज़न वर्ड यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पर बाकी सारे रिलेशन फाइंड हो जाएंगे कि एल और एम जो है वो मैरिड कपल है, उसके बाद में पी और ओ जो है वो भी मैरिड कपल है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी मैरिड कपल्स आर देयर, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, टू मैरिड कपल्स आर देयर। उसके बाद में हाउ
एम इज़ रिलेटेड टू एल, यानी कि एल जो है वो क्या है एम को कैसे रिलेट करेगा, तो एल जो है वो एम की क्या हो जाएगी यहाँ पर वाइफ हो जाएगी, तो आपकी एल की वाइफ क्या हो जाएगी एम, यानी कि आपका सीधे सीधे मतलब ये है कि टू के बाद में जो भी है वो उसके पहले को क्या कहकर पुकारेगा, यानी कि एल जो है वो एम को अपनी वाइफ कह के पुकारेगा, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा इनके बीच में जो रिलेशन हो जाएगा वो हस्बैंड वाइफ का होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा वाइफ। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। इफ ए इज सन ऑफ क्यू, यानी कि क्यू का सन क्या है ए, ठीक है, उसके बाद में क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, यानी कि सिस्टर्स बोला है इसीलिए आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। वाईज़ मदर इज़ जेड, यानी कि वाई की जो मदर है वो क्या है जेड, और इसकी मदर है वाई की मदर है, यानी कि वो क्या हो जाएगी क्यू की भी मदर हो जाएंगी। पी इज़ सन ऑफ जेड, यानी कि यहाँ पे पी जो है वो क्या है सन है इसका जेड का, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है देन विच वन इज़ डेफिनेटली ट्रू, तो मतलब आपको ये फैमिली ट्री बन गया है, उसके बाद में आपको पूरा ऑप्शंस देख के बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है, ठीक है। तो उसके बाद में ए एंड पी आर कजन्स, तो यहाँ पर देखिए ए एंड पी कज़न हो ही नहीं सकते क्योंकि सेम जनरेशन से है ही नहीं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। ए इज़ अंकल ऑफ पी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेकंड थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में है, लेकिन यहाँ पर जो है पी बड़ा है लेकिन और ए जो है उससे छोटा है, तो कहीं पे भी ए जो है अंकल नहीं हो सकता पी का, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है उसका क्या है ये अंकल है, पी जो है ए का अंकल है, तो यहाँ पर कहाँ से कहीं से भी ए इज़ अंकल ऑफ पी हो ही नहीं सकता। उसके बाद में आपको दिया पी एंड वाई आर सिस्टर्स, तो पी यहाँ पर क्या है मेल है, वाई जो है वो फीमेल है, तो पी एंड वाई यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं लेकिन सिस्टर्स नहीं हो सकते, यानी कि आपका थर्ड कंक्लूजन भी क्या है गलत है। उसके बाद में ए इज़ मैटर्नल अंकल ऑफ पी, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको बोला जा रहा है कि ए जो है अंकल है पी का, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, पी यहाँ पर अंकल है ए के, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा नन ऑफ दीज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनडायरेक्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपका कोई भी रिलेशन है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, उसको अपन और दूसरे तरीके से देखेंगे। तो चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है अ मैन सेड टू अ लेडी दैट योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई मदर। तो आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जो पहला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा उस इंसान के बारे में जो बोल रहा है सामने इंसान सामने वाले इंसान के बारे में, जैसे कि यहाँ पर अ मैन सेड टू अ लेडी, मतलब यहाँ पर एक मैन है जो किसी लेडी को बता रहा है, तो यहाँ पर एक रिलेशन इसका हो जाएगा और दूसरा पार्ट आप इसका लेंगे, ठीक है। तो आप इस लेडी के बारे में बोल रहा है दैट योर मदर्स हस्बैंड, यानी कि ये जो लेडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं आप स्टार लगा देंगे क्योंकि इसकी बात हो रही है, योर मदर्स हस्बैंड यानी कि इसकी जो मदर है उनके हस्बैंड यानी कि इनके फादर, ठीक है, फादर की सिस्टर, योर हस्बैंड सिस्टर, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर यानी कि इनके जो हस्बैंड हो गए उनकी सिस्टर इज़ माई मदर, तो ये इनके बारे में बोल रहा है। इज़ माई मदर तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर आ जाएंगे जो इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़िए और रिलेट कीजिए इस चीज़ को कि अ मैन सेड टू अ लेडी, यानी कि अ मैन सेड टू अ लेडी दैट योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माय मदर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द लेडी, यानी कि अब ये जो मैन है वो लेडी लेडी से किस तरह रिलेट कर रहा है, यानी कि आपकी जो ये लेडी है वो उस मैन को क्या कह के पुकारेगी, किस तरीके से रिलेट करेगी। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देखकर बोल सकते हैं कि कज़न आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इनके पेरेंट सेम रहते तो ब्रदर आता, लेकिन यहाँ पर पेरेंट इनके अलग हैं तो आपका क्या आ जाएगा कज़न आ जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको दो पार्ट में इसको तोड़कर अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, अ मैन सेड दैट ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स फादर्स डॉटर। यानी कि एक जो मैन है, ठीक है, वो किसी पिक्चर पे पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि ही इज़ द, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर मेल के बारे में बता रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स फादर्स डॉटर। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप बता रहा है कि अब मेरी मम्मी के भाई के ओनली सिस्टर के फादर के डॉटर के क्या हैं, सन हैं। तो चलिए इसको अपन एक एक करके तोड़ के ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, अ मैन सेड ही इज़ द सन ऑफ को आप अलग से रख दीजिए, आपको जहाँ से माए से आपको लंबा चौड़ा रिलेशन मिल रहा है, जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा लिंक मिलते हैं आप उसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में जो छोटा सा लिंक है उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या बोल रहा है कि अब जो मैन बता रहा था पॉइंट आउट करके, उससे अपन स्टार्ट करते हैं माए मदर, यानी कि वो जो मैन है उसकी मदर, ठीक है, उसकी मदर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर, यानी कि उसकी मदर के जो ब्रदर हैं, ठीक है, उनकी ओनली सिस्टर, यानी कि उनकी मम्मी हो जाएंगी। अगर उनकी और कोई बहन होती तो वहाँ पर ओनली सिस्टर नहीं आता, ठीक है, तो उनकी मम्मी की ब्रदर, ठीक है, उनके मम्मी के ब्रदर की ओनली सिस्टर यानी कि उनकी मम्मी ही हो गई। ओनली सिस्टर्स फादर्स डॉटर, ठीक है, ओनली सिस्टर के जो फादर हैं, ठीक है, उनकी डॉटर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली सिस्टर है यानी कि और कोई डॉटर नहीं होगी उनके फादर की, यानी कि वो अपनी मदर की ही बात कर रहा है, ठीक है। ओनली ओनली सिस्टर फादर्स डॉटर, अब उसके बाद में क्या है, ही इज़ द सन ऑफ माई, यानी कि ये इनके सन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अ मैन सेड दैट ही इज़ द सन ऑफ, यहाँ पर जो ही इज़ द सन ऑफ जो था आपने अलग करके जो रखा हुआ था उसको आप क्या कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपका यही है ओनली सिस्टर फादर्स, यहाँ पे ओनली सिस्टर के फादर की डॉटर का क्या है, वो सन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि हाउ मैन रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर, यानी कि वो जो मैन बात कर रहा था पॉइंट आउट कर रहा था वो उस मैन से कैसे रिलेट करता है जिस पर वो पॉइंट आउट कर रहा था, तो आपका सीधे सीधे आंसर ये हो जाएगा कि या तो वो वही इंसान होगा जो बात कर रहा है या तो फिर उसका भाई होगा। यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पर इसके कितने बेटे हैं, यहाँ पर इसके कितने सन हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आइदर हिमसेल्फ और हिज ब्रदर। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि इसका जो सन है, ठीक है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक चीज़ ये समझ में आ रही है, या तो ये अपने बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि इस लेडी के सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो ये खुद के बारे में बात करेंगे या तो ये इनके क्या ब्रदर के बारे में बात करेंगे। तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा हिमसेल्फ और हिज ब्रदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी और बहुत कम टाइम लेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फट फट ड्रॉ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, मधु सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। ठीक है, तो आप इसको ही इज़ द ओनली सन को पहले अलग कर दीजिए और यहाँ से ड्रॉ करना चालू कीजिए अपना फैमिली ट्री कि माई फादर इन लॉज ओनली सन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो रहा है, ये मधु बोल रही है। ठीक है, मधु फीमेल है आपकी जो बात कर रही है, माई फादर इन लॉज यानी कि इनके हस्बैंड के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। ठीक है, माई फादर इन लॉज ओनली सन,
माय फादर इन लॉज ओनली सन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये अपने हस्बैंड के बारे में ही बात कर रही है, ठीक है, उसके बारे में. ही इज़ द ओनली सन ऑफ, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ओनली सन इनके बारे में बात कर रही है. तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ के बनाइए कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ, यहाँ तक आप अलग कर दीजिए, ये किसके बेटे हैं, माई फादर इन लॉज ओनली सन, यानी कि इनके फादर इन लॉ के ओनली सन, यानी कि इनके हस्बैंड के क्या है, ओनली सन है, यानी कि इनके सिर्फ एक अकेले बेटे हैं. एक बार फिर से अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. पॉइंटिंग टू अ बॉय मधु सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ, मतलब कि ये एकलौते बेटे हैं किसके, माय फादर इन लॉज ओनली सन के, इनके फादर इन लॉ के ओनली सन के, ये क्या है, एक ओनली बेटे हैं. तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया हाउ दैट लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, यानी कि क्या होगा कि वो जो लेडी है उस बॉय से कैसे रिलेट कर रही है. तो सीधे सीधे आप देख लेंगे यहाँ पर कि वो उनकी क्या है, मदर है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो. अपन और नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.